अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं कि सीएमसी हॉस्पिटल का सर्जरी का कॉस्ट कितना होना चाहिए तो आप कर पाओगे। इसका सिंपल तरीका क्या है मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी को देखना काफी ज्यादा जरूरत है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए, कॉम्प्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। देखिए अगर आपका आपका फैमिली का दोस्त का रिश्तेदार का कोई भी बीमारी हुआ था उसकी वजह से आप लोकली आपका नजदीकी बहुत सारा जगह में हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा चुके हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने आपको फाइनली डिसीजन दे चुका है कि सर्जरी करना होगा, तो कुछ हॉस्पिटल का डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर या तो फिर रानीपेट में जाके सर्जरी कराने के लिए, या तो फिर अगर आप खुद से आप डिसीजन ले चुके हैं कि अच्छा सा हॉस्पिटल में जाके आप सर्जरी कराना चाहते हैं, जैसे कि सीएमसी का भेलोर या तो फिर रानीपेट में जाके आप सर्जरी कराना चाहते हैं, तो जाने से पहले सभी का मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि सर्जरी तो मैं करूंगा लेकिन सीएमसी हॉस्पिटल का सर्जरी का कॉस्ट कितना होता है। अगर आप पहले से आपको पता चल जाता है सर्जरी का कॉस्ट तो आपको आप पहले से पैसा को आप मैनेज कर पाओगे, बाद में सीएमसी हॉस्पिटल में जाके अगर आपको पता चल जाएगा कि सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है तो आपको पैसे को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट किए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो बना रहा हूं और एक एक चीज को आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों सीएमसी हॉस्पिटल इंडिया के अंदर अभी टॉप 3 में रैंक कर रहा है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं इंडिया का बाहर से भी कंट्री से आता है इस हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराता है, सर्जरी भी कराता है। तो सीएमसी हॉस्पिटल एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा डोनेशन में चलता है, इसलिए इस हॉस्पिटल का जो सर्जरी कॉस्ट होता है काफी ज्यादा कम होता है। अगर आप अलग सा इंडिया का टॉप टॉप हॉस्पिटल के बारे में आप सोचोगे, कंपेयर करोगे, जैसे कि चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई का अलग अलग सा हॉस्पिटल, टाटा का AIG हॉस्पिटल, उसके बाद हैदराबाद, चेन्नई या तो फिर अलग अलग से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां से काफी ज्यादा कम खर्चा में आपका सर्जरी हो जाता है। अगर आप लोकली नजदीकी हॉस्पिटल के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाता है सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल में, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा सीएमसी हॉस्पिटल में जो सर्जरी किया जाता है इसका जो सर्जरी का जो इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा यूएसए का सेटअप होता है या तो फिर जर्मनी का सेटअप होता है, इसलिए सर्जरी जो होता है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन एंड बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का हिसाब से सर्जरी किया जाता है और सर्जरी ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मेन मुद्दा यह है कि पहले अगर आप कैसे जान पाओगे सीएमसी हॉस्पिटल का सर्जरी का कॉस्ट कितना होता है, चाहे सीएमसी हॉस्पिटल का भेलोर हो या तो फिर रानीपेट हो, अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं कि सीएमसी हॉस्पिटल का सर्जरी का कॉस्ट कितना होना चाहिए तो आप कर पाओगे। इसका सिंपल तरीका क्या है मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करके जरूर जाना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, मेरा नाम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और इसको डिटेल्स में समझाने के लिए अभी मैं आप लोगों को लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपका मोबाइल का किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, चाहे क्रोम ब्राउजर हो या तो फिर गूगल ब्राउजर हो, उसका सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है सीएमसी भेलोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीएमसी भेलोर आ गया है, ये जो सीएमसी भेलोर है सीएमसी भेलोर को आपको टैप कर लेना चाहिए। तो चलिए हम टैप कर लेते हैं और टैप करने के बाद मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा। इसको मैंने टैप किया, टैप करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ फास्टली जो पेज आप लोगों को नज़र में आ रहा है यहाँ आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको टैप करना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, उसके बाद सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओपन हो गया है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद इस जगह में आपको आना है, आप देख सकते हैं ए पेशेंट का जो ऑप्शन है आपको इस जगह में आना है। तो चलिए ए पेशेंट में हम टच करते हैं, टच करने के बाद और भी थोड़ा आपको वेट करना है, उसके बाद और एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज ओपन हो गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है,
नीचे जाने के बाद इस जगह में आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ मेन चीज आ जाएगा, यहाँ आपको एक एक चीज़ को डिटेल्स में समझाना है। तो यह आपको थोड़ा सा वेट करना है, जब तक पेज रिलोडिंग ना होगा आपको तब तक वेट करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेन पेज ओपन हो गया है, इस जगह में आपको सीधा जाना है। आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट गाइड बुक है, आप देख सकते हैं इस साइड में पेशेंट गाइड बुक जो मैं आप लोगों को ब्लू कलर में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मार्क में, पेशेंट गाइड बुक, पेशेंट गाइड बुक में आपको सीधा टच करना है। तो टच करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्टेप का डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है फाइल, तो ऑलरेडी डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा जाना है आपका फाइल में जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है, फाइल में जाके मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप इस जगह में देख सकते हैं फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, ये जो फाइल है आपको ओपन करना है। किस तरह का ओपन करना है देखिए, सिंपल सा यहाँ आपको टच करना है, उसके बाद काफ़ी सारा यहाँ पर आपका जो फीचर है यानी कि जो ऐप है ऐप ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल सा गूगल ड्राइव से आपको ओपन करना है, तो गूगल ड्राइव से आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर ऑलवेज कर सकते हैं, जस्ट वन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सीएमसी हॉस्पिटल का एक गाइड बुक आपने डाउनलोड किया है वो ओपन हो जाएगा। यह है सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर और रानीपेट का गाइड बुक, पेशेंट गाइड बुक। ये जो गाइड बुक है पूरा का पूरा सीएमसी भेलोर और रानीपेट के बारे में डिटेल्स में, हालांकि रानीपेट के बारे में अभी अपडेट नहीं हुआ है, सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल और चित्तूर हॉस्पिटल का जो और एक कैंपस है उसका डिटेल्स, पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप इसका डिटेल्स ले सकते हैं। अदरवाइज एक वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, मैं लाने का कोशिश करूँगा, आपको बता दूंगा ये जो पेशेंट गाइड बुक है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलता है, आप काफ़ी सारा नॉलेज ले सकते हैं। जाने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जाने से पहले काफ़ी सारा आप नॉलेज इस गाइड बुक की मदद से आप ले सकते हैं, बहुत जल्द एक वीडियो आ जाएगा। तो इसको आपको ये जो गाइड बुक है आप ऑनलाइन डाउनलोड कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को बता दी है, अदरवाइज आप सीएमसी हॉस्पिटल में जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, गाइड बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो इसको सीधा आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको एकदम नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद मेन ऑप्शन इस जगह में है, आप देख सकते हैं यहाँ एक चीज़ है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स दी गया है, आपको डिटेल्स में मैं समझाने का कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और जूम करने के बाद इस जगह में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स इस जगह में दिया गया है, यानी आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम है इस जगह में। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मूव हो गया है इस जगह में, और इस जगह में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है और यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है। जितना सारा डिपार्टमेंट होता है सीएमसी भेलोर और रानीपेट हो उसका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स इस जगह में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि डर्माटोलॉजी डेवलपमेंट ऑफिस, उसके अलावा ENT आप देख सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, जितना सारा डिपार्टमेंट है इस जगह में दिया गया है। आप एक एक मेल को आप ले सकते हैं, यानी कि मेल के बारे में आप डिटेल्स ले सकते हैं, इस जगह में मेल दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल के अंदर जितना सारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो सिंपल सा आपको ईमेल एड्रेस जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है, इस ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ से सिंपल सा कॉपी करना है। आप जिस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में आपने दिखाना चाहते हैं या तो फिर जिस डिपार्टमेंट में आप सर्जरी कराना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसी जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट पर आपको मेल करना है। तो मेल आपको किस तरह का करना है वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा। अब आप समझ गए हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, सर्जरी का भी यूनिट है यहाँ पर, डर्माटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, उसके बाद गाइनिकोलॉजी, उसके बाद इनफर्टिलिटी, पूरा का पूरा ढेर सारा डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस दिया गया है। इसी ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना है। तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पर आपको सिंपल सा टच करके रखना है, जिस तरह का जो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए मुझे यूरोलॉजी कहाँ गया, यहाँ पर यूरोलॉजी यूनिट 1 का आप जो ईमेल एड्रेस है उसको कॉपी करना चाहते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं euro1@cmcvelo.ac.in, तो इसको आपको सिंपल सा इस जगह में आपको टच करके रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और सिंपल सा आपको इसको कॉपी कर लेना है, आपका क्लिपबोर्ड में आपको कॉपी कर लेना है
जो कॉपी का ऑप्शन है आप इस साइड में देख सकते हैं, जो कॉपी का ऑप्शन है आपको सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक जैसे कि एक वाइटल डिपार्टमेंट के बारे में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट करते हैं, इस साइड में आप देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक वन, तो ऑर्थोपेडिक वन डिपार्टमेंट का मैं ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं टच करूँगा, टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टच हो गए और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैंने कॉपी कर लिया है, अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा मेल पे और मेल पे मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कैसे आपको मेल करना है। तो चलिए मेल पे, तो आप देख सकते हैं अभी मैं मेल पे आ चुका हूँ। मेल पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर आप पहले सीएमसी बेलोर हॉस्पिटल या तो फिर रानीपेट में दिखा चुके हैं, जिस रजिस्टर करते समय जिस ईमेल आईडी पे आपने दिए थे उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी को आप इस जगह में आप चेंज कर पाओगे, जो साइड में कॉर्नर का जो लोगो शो हो रहा है यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे, तो यह आपको सिंपल सा स्विच कर लेना है। अदरवाइज अगर आप पहले कभी सीएमसी हॉस्पिटल नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम आप जानना चाहते हैं कि सीएमसी हॉस्पिटल का किस तरह का आपको जो सर्जरी कॉस्ट लगेगा आपको जानना है, तो आप किसी भी मेल से आप मेल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, मेल को सिलेक्ट कर लेना है और मेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा जाना है इस जगह में जो कॉम्पोज का निशान है, एक पेन का निशान है, यहाँ आपको जाना है और टच कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टच हो गया है, आपका जो मेल है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेल शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इस जगह में जिस मेल से आप मेल करना चाहते हैं मेल शो होगा। और उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर टू लिखा गया है, यानी कि इस जगह में आपको मेल को सीएमसी बेलोर हॉस्पिटल का मेल को सिलेक्ट करना है। तो आपने तो पेस्ट किए थे, पेस्ट करने के बाद इस जगह में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक शो हो रहा है, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, इस जगह में मैंने पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिक आ गया है। और नीचे आप लोगों का रिकमेंड का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो यह आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। आपको यहाँ सबसे पहले तो आपको ये जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा सा लिखना है, जैसे कि सब्जेक्ट में मैं गया और यहाँ पर आपको लिखना है अबाउट सर्जरी कॉस्ट, अबाउट जिस तरह का आप सर्जरी कॉस्ट लेना चाहते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्जरी कॉस्ट, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप का लिखना है, आप आपका मर्जी का हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन किस तरह का लिखना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉम्पोज मेल पे जाना है, कॉम्पोज मेल पे जाने के बाद इस जगह में एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले तो मान के चलिए अगर आपने पहले कभी सीएमसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया है, आप काफ़ी सारा जगह में डॉक्टर को दिखा चुके हैं, बहुत सारा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, तो आप भी कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सीधा इस जगह में आपको पेशेंट नेम देना है, यहाँ पर आपको इस टाइप का नेम लिखना है, नेम देना है, उसके बाद नीचे आपको एज देना है, आप देख सकते हैं एज देना है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देके आपको एज लिखना है, उसके बाद नीचे आपको जाना है जेंडर लिखना है, यहाँ पर आपको जेंडर लिखना है। और जेंडर लिखने के बाद आपको एक काम करना है, आप कौन सा डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया। उसके अलावा नीचे आपको जाना है, नीचे जाने के बाद आपको एक काम करना है, इस जगह में आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है और आपका किस टाइप का प्रॉब्लम हुआ है, किस टाइप का रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। जैसे कि आपका ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, मान के चले मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड कोई भी इंजरी हो गया या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में बेंड हो चुका है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पाइनल कॉर्ड बेंड, आप समझ लिया, कुछ स्टेप का लिखना है। एक और चीज़ मान के चलिए, अगर आप पहले कभी सीएमसी हॉस्पिटल में गए हैं, सीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा चुके हैं, आपके पास तो हॉस्पिटल आईडी कार्ड होगा ही, तो यह आपको एक चीज़ को ऐड करना है, जो डिपार्टमेंट का नीचे आपको थोड़ा यहाँ पर जाना है और पेशेंट आईडी कार्ड देना है, पेशेंट आईडी,
इस जगह में आपको पेशेंट आईडी नंबर देना है, जो हॉस्पिटल नंबर यानी हॉस्पिटल कार्ड दिया गया आप लोगों को, उस हॉस्पिटल कार्ड में आपका पेशेंट आईडी नंबर दिया गया, उस आईडी नंबर देना है। आईडी नंबर देने के बाद आपको और कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। सीएमसी हॉस्पिटल में जाके आपका जब मेल पहुंच जाएगा तो वहां आपका आईडी नंबर चेक होगा और आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, रिपोर्ट्स वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, जो टेस्ट वगैरह हुआ था, जो ट्रीटमेंट हुआ था, पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इस जगह में आपका पेशेंट आईडी नंबर देना है और स्पाइनल कॉर्ड बेंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप का जिस तरह का रिलेटेड प्रॉब्लम है देना है और नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद आपको लिखना है प्लीज एडवाइस मी अबाउट यहाँ पर अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड बेंड सर्जरी कॉस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्जरी कॉस्ट अप्रोक्स। देखिए ये जो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका कॉस्ट को बताया जाएगा यानी कि सीएमसी हॉस्पिटल से जो मेल का रिप्लाई आएगा आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बता देगा, एक्चुअल कितना मिनिमम होना चाहिए, करंट नहीं बताएगा। करंट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्जरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिखना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल यहाँ आपको लिख देना है। कुछ स्टेप का आपको लिखना है, देख सकते हैं, यानी कि अगर आप पहले सीएमसी हॉस्पिटल में नहीं गए या तो फिर बाद में आप सीएमसी हॉस्पिटल में गए हैं, दोनों का प्रोसेस मैंने बता दी है। कुछ स्टेप का सिंपल सा आपको मेल करना है और मेल करने के बाद आपको एक काम करना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पहले सीएमसी हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप पहले सीएमसी हॉस्पिटल में नहीं दिखा चुके हैं, आपके पास कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, तो आपको अटैच करना पड़ेगा, फाइल को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीएमसी हॉस्पिटल देखना चाहते हैं आपका पहले किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ था। अदरवाइज आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अगर कोई भी आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो सिंपल सा आपको जाना है, जो अटैच फाइल का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जो राउंड मार्क के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिंपल सा फाइल को अटैच करना है। जैसे कि आप पहले से फाइल को जेनरेट करके रख सकते हैं, फाइल में जिस तरह का प्रिस्क्रिप्शन है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो आपको फोटो खींच के रखना है और इस जगह में आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस जगह में आप देख सकते हैं एरो का निशान है, आप देख सकते हैं इस जगह में जो एरो का निशान है, इस जगह में आपको सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद सीएमसी हॉस्पिटल में भेलोड हो या तो फिर रानीपेट हो, आपका मेल चला जाएगा। हालांकि एक प्रॉब्लम अभी इस टाइम चल रहा है, देखिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कर रहे हैं कि मेल आप लोग तो भेज रहे हैं लेकिन मेल का रिप्लाई अभी इस टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए सीएमसी हॉस्पिटल में जो मेल पूरा का पूरा 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेल जाता है, इसलिए मेल का रिप्लाई देने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है। मान के चलिए अगर आपको मेल का रिप्लाई नहीं मिला तो आपको दोबारा से भी मेल करना पड़ सकता है, इसलिए आपको दोबारा से मेल आपको कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। जैसे कि आपको जो मेल का रिप्लाई है आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि एक हफ्ते अगर लेट हो गया है, 10 दिन हो गया है, 15 दिन हो गया, तो आपको दोबारा से मेल करना चाहिए। तो मेल का रिप्लाई आपको कुछ स्टेप का मिल जाएगा और कुछ स्टेप का मेल आपको करना है। उसके अलावा मान के चले कि फिर भी आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप देख सकते हैं कॉल सेंटर, सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल का एक कॉल सेंटर दिया गया है, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया और एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया। आप चाहे तो सीएमसी हॉस्पिटल में जाके आप जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि मेल का रिप्लाई क्यों नहीं आया। अदरवाइज सीएमसी का जो व्हाट्सएप नंबर है आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि क्यों मेल का रिप्लाई नहीं आया, उन लोगों ने आपको बहुत जल्द बता देगा।
तो आई होप मैंने आप लोगों को एक एक चीज को डिटेल्स में समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। कुछ स्टेप का आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, स्टेप का आपको मेल करना है। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को एक एक चीज को डिटेल्स में समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन रह जाता है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कुछ कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ लाइव चैट करना चाहते हैं, कुछ भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।